भारत जोड़ो यात्रा की सदस्य और प्रदेश महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष नूरी खान को उनके घर में नजर बंद कर दिया गया है। वे यात्रा के विश्राम के दौरान उज्जैन आई हुई हैं। नूरी खान उज्जैन आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सिंहस्थ भूमि से लोगों के आवास हटाने की कार्यवाही रोकने के लिए ज्ञापन देने जाने वाली थी। पुलिस ने कहा कि हंगामा रोकने के लिए यह कार्यवाही की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने उज्जैन पहुंचे थे। इसी दौरान मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष नूरी खान उनसे मिलकर ज्ञापन देने चाहती थी। नूरी खान को पुलिस द्वारा रोके जाने का वीडियो भी वायरल हुआ है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि नूरी खान अपने दो पहिया वाहन पर सवार होकर जाना चाह रही हैं, लेकिन इसी दौरान महिला पुलिसकर्मी उनके वाहन की चाबी निकाल लेती है। इस दौरान नूरी खान की महिला पुलिसकर्मियों से बहस और झूमा झटकी भी होती है। पुलिसकर्मी ये कहते हुए सुनाई देती है कि उन्हें नूरी खान को बाहर जाने की अनुमति नहीं है। ठीक है, मैं जाऊँगी। नहीं, मुझे गरीबों की बात करनी है, आप लोग समझते क्यों नहीं? हमको कोई आप छोड़िए, आप लोग इस तरीके से नहीं कर सकती। नहीं, आप नहीं कर सकते इस तरीके से। मैं जा रही हूँ। नहीं, मुझे मेरे घर पे ऐसे नहीं रोका जाएगा। नहीं, गलत बात है, गलत है। नहीं, क्या अलाउ नहीं है? नहीं, छोड़िए, छोड़िए, चलो यार, चलो।